अगर दोस्तों आप लोग एक न्यू लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हैं और आप लोगों का बजट भी 60,000 रुपये, 70,000 रुपये या फिर 80,000 रुपये के अंडर में, और उस लैपटॉप से आप लोग कोडिंग, प्रोग्रामिंग, गेमिंग और अपने ऑफिशियल काम को भी कर पाओगे, तो अगर आप लोग भी एक ऐसे ही बेस्ट लैपटॉप की तलाश करें तो आज की इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। और आखिर के जो 3 लैपटॉप होंगे वो तो दोस्तों पर्सनली प्रोग्रामिंग गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप है, तो उनको तो आप लोग को जरा भी मिस नहीं करना है। बाकी दोस्तों माय लिस्ट में पहले नंबर का लैपटॉप आता है MSI Cybron 50 लैपटॉप। दोस्तों ये लैपटॉप MSI का होने वाला है, जो कि आप लोग को 50.6 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। और इसकी ये डिस्प्ले आप लोग को 144 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले होगी। इसके अंदर आप लोग को काफी लाइट वेट देखने को मिल जाएगा। और ये लैपटॉप कोडिंग गेमिंग के लिए काफी अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को उसके लिए इंटेल कोर i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर होता है। और इसके अंदर आप लोग को नविद्या का GeForce RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आप लोगों की गेमिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। बाकी इसके अंदर आप लोग को नेक्स्ट जनरेशन का कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। विंडो 11 होम यह सपोर्टेबल होने वाला है, और ये MSI का लैपटॉप आप लोगों को गेमिंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को 16 GB की DDR4 RAM देखने को मिल जाएगी और 512 GB का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें प्राइस की, तो ये MSI का लैपटॉप आप लोग को हाल ही के टाइम पे अमेजोन के ऊपर 54,990 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप लोग को 60,000 रुपये के अंदर एक परफेक्ट गेमिंग लैपटॉप देखने को मिल जाता है आप लोग के हिसाब से। बाकी दोस्तों माय लिस्ट में सेकंड नंबर का लैपटॉप आता है लेनोवो एलओक्यू लैपटॉप। दोस्तों एक न्यू लैपटॉप होने वाला है, जो कि आप लोगों को 60,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोग को 50.6 इंच की एक 300 नीट ब्राइटनेस वाली 144 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी डिस्प्ले आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोग को परफॉर्मेंस के लिए इंटेल कोर i5 12450HX का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इस प्रोसेसर के दोस्तों जो क्वालिटी होने वाली है आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। बाकी इस प्रोसेसर की मदद से आप लोग इसके अंदर काफी अच्छा हाई क्वालिटी के अंदर कोडिंग, गेमिंग जैसी चीजों को काफी आसानी से कर पाओगे। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को 4GB ग्राफिक्स वाला नविद्या GeForce RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। बाकी दोस्तों एक गेमिंग लैपटॉप होने वाला है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को HD वेबकैम के साथ भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को 60W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, FPS बूस्टर देखने को मिल जाता है, जो कि AI सपोर्टेबल होगा। और इसके अंदर आप लोग को पूरे 12GB की DDR5 RAM देखने को मिल जाती है, और 512GB का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइस की बात की जाए तो वो आप लोग को 54,000 रुपये देखने को मिल जाती है डिस्काउंट लगा के, जो कि दोस्तों 60,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर एक बेस्ट लैपटॉप है आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का लैपटॉप आता है HP G9 250 लैपटॉप। दोस्तों ये HP का लैपटॉप होने वाला है, जो कि 60,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलेगा, और खास तौर पे दोस्तों ऑफिशियल वर्क के लिए तो ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को इंटेल कोर i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर, और ये आप लोगों को इंटेल के RX Xe ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 50.6 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, विंडो 11 प्रो सपोर्टेबल देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को कोडिंग के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर आप लोगों को 8GB की DDR5 की RAM देखने को मिल जाती है, और 512GB का इसके अंदर आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइस की बात की जाए तो वो आप लोगों को 58,990 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर, जो कि दोस्तों HP की तरफ से एक बेस्ट लैपटॉप है 60,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का लैपटॉप आता है, जो कि आप लोगों को 70,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलता है। इसका नाम है लेनोवो आईडियापेंट स्लिम 3 लैपटॉप। दोस्तों ये लेनोवो की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, जो कि आप लोगों को 50.6 इंच की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि एक 300 नीट ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले होने वाली है। इसके अंदर आप लोगों को 13 जनरेशन का इंटेल कोर i7 13620H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं वह खास तौर पे कोडिंग और गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोसेसर माने जाते हैं। बाकी ये लेनोवो का लैपटॉप भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आप लोग को इंटेल का ही काफी हाई ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, और विंडो 11 ये सपोर्टेबल होने वाला है। इसके अंदर आप लोग को काफी लाइट वेट देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों आप लोग को 1080 पिक्सल के एक फुल HD वेबकैम के साथ देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप लोग को डॉल्बी विजन क्वालिटी वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस लेनोवो के लैपटॉप की काफी अच्छी बात है। इसके अंदर आप लोग को 47W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, Wi-Fi 6 देखने को मिल जाएगा, और ये लैपटॉप दोस्तों आप लोग को 16GB की
DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज स्पीड वाली रैम के साथ देखने को मिल जाता है और 512 जीबी का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बाकी प्राइस की बात की जाए तो ये लिनोवो का लैपटॉप आप लोग को हाल ही के टाइम पे अमेज़न के ऊपर 64,990 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक परफेक्ट पावरफुल लैपटॉप है 70,000 रुपए के अंदर में। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर का लैपटॉप आता है, जो कि आप लोगों को 70,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट लैपटॉप देखने को मिलेगा, एजर नाइट्रो वी गेमिंग लैपटॉप। दोस्तों ये गेमिंग वालों के लिए तो काफी अच्छा है ही, साथ इसके अंदर आप लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग जैसी चीजों को भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 13400H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है। और ये आप लोगों को 6GB की वी रैम ग्राफिक्स कार्ड के साथ RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इसकी और भी अच्छी बात होने वाली है। इसके अंदर आप लोग को 144Hz रिफ्रेश वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले होने वाली है। और ये एजर का लैपटॉप आप लोग को विंडो 11 सपोर्टेबल देखने को मिलेगा, वाईफाई 6 इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोग को 16GB की DDR5 की रैम देखने को मिलेगी और 512GB का इसके अंदर आप लोग को स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी ये एजर का लैपटॉप आप लोगों को हाल ही के टाइम पे अमेज़न के ऊपर 69,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 70,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर पावरफुल लैपटॉप है आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में जो 6 नंबर का लैपटॉप होगा वो 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को अब तक का सबसे पावरफुल लैपटॉप देखने को मिल जाता है। इसका नाम है MSI मॉडर्न 50H लैपटॉप, जो कि दोस्तों एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाला लैपटॉप है। इसके अंदर आप लोग को इंटेल कोर i9 का 13900H प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 13 जनरेशन का, जो कि दोस्तों काफी पावरफुल प्रोसेसर है 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। इस क्लास के अंदर आप लोग कोडिंग प्रोग्रामिंग गेमिंग जैसी चीजों को काफी स्मूथली कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात की जाए तो उसके लिए इसके अंदर आप लोग को इंटेल का IDX XC ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है और ये लैपटॉप दोस्तों विंडो 11 सपोर्टेबल होने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को वाईफाई 6E देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल वाईफाई होता है। इसके अंदर आप लोग को 16GB की DDR5 की रैम देखने को मिल जाती है और 1TB का इसके अंदर आप लोग को पूरा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बाकी ब्लास्ट में बात करें प्राइस की तो ये MSI का लैपटॉप आप लोग को हाल ही के टाइम पे अमेज़न के ऊपर 78,999 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक काफी पावरफुल लैपटॉप है 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। बाकी दोस्तों ये थे टॉप 6 बेस्ट लैपटॉप, जो कि आप लोग को 60,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिल जाते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग गेमिंग के लिए। बाकी दोस्तों इनमें से आप लोगों को कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आए कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो अगर आप लोग और भी चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।